दोस्तों, जब हम अपनी नज़र आसमान की तरफ घुमाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चिड़िया जब चहकती रहती हैं, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बना देती है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम अपनी नज़र आसमान की ओर घुमाते हैं तो हमें लाखों हजारों तारे टिमटिमाते हुए एक छोटी सी वस्तु के रूप में दिखाई देते रहते हैं। और दोस्तों, हम लोगों को अंदाजा भी नहीं होता है जो हम उन्हें टिमटिमाते हुए देख रहे हैं, असल में उनका वो बीता हुआ कल है, क्योंकि उनसे निकली हुई लाइट कई लाइट ईयर ट्रैवल करके हमारे पास आ रही है, जो हमें हमारी पृथ्वी पे रह के आसमान में दिखती है। और असल में एक छोटा बिंदु जो भी हम रात में देखते हैं, हमारी कल्पना से हजारों गुना बड़ा होता है। और इन्हीं टिमटिमाते हुए तारों के बीच में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो हमारे काफी नजदीक होती हैं, हमारे सौर मंडल में होती हैं, जिन्हें हम तारा समझकर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों की क्यूरियोसिटी इन्हें जानने की होती है, ब्रह्मांड में खोए रहते हैं मेरी तरह, वो इसे डीपली समझना चाहते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले कुछ ऐसी ब्राइटेस्ट वस्तु तारे की तरह हमें दिखाई देती हैं, और हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं हल्की रोशनी में भी सन की। असल में वो हमारे ग्रह होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य का चक्कर लगाते हैं हमारी पृथ्वी की तरह, और बस हम उन्हें एक तारा समझ के भूल जाते हैं और उन्हें जानने के लिए सोचते भी नहीं हैं। और दोस्तों, जिन लोगों के पास इस सभी की जानकारी होती है तो वह इसे अच्छे से पढ़ते हैं, जानकारी इनकी इकट्ठा करके, और इन्हें कैप्चर भी करते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप से। और उनमें से मैं भी एक ऐसा एस्ट्रो फोटोग्राफर हूं जो अपने होममेड टेलीस्कोप से, जो 50mm का है, इससे कैप्चर करके आपको इन्हें मैं दिखाता हूं। और दोस्तों, इन्हीं सभी जानकारी के बल पर हम अपने इस होममेड टेलीस्कोप की मदद से शनि ग्रह को कैप्चर करने वाले हैं, जिसे हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों, मैंने अपने इस होममेड टेलीस्कोप से दिन में वीनस को इसी जानकारी के बल पर आपको ट्रैक करके दिखाया, और उसका फाइनल रिजल्ट अपने 50mm के टेलीस्कोप से आपको दिखाया, जो काफी प्यारा लगा था, और मैंने ये अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया था। आप वीडियो को एंड तक देखते होंगे तो आपको पता रहता होगा कितने एफर्ट्स जाते हैं, कितनी सारी मेहनत लगती है, तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं, आपका सबसे फेवरेट सुंदर ग्रह कौन सा यहाँ पे लगता है, कुछ लोगों का सवाल होगा सैटर्न यानी शनि ग्रह, लेकिन दोस्तों मेरा सवाल होगा हमारी पृथ्वी अर्थ, जिस पर रहकर हम ये सारी क्यूरियोसिटी अपने मन में जगा रहे हैं और यहाँ रह के हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद की अगर बात करूँ तो शनि ग्रह के रिंग मुझे काफी अट्रैक्ट करते हैं और काफी मजेदार लगते हैं। तो दोस्तों, शनि ग्रह को कैप्चर करने से पहले इसके बारे में कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो बिगिनर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे नए हैं, मोस्टली तो मुझे लगता है नए होंगे ज्यादातर, और जो इस वीडियो को स्किप करके जाने वाले भी होंगे, लेकिन हम जो यहाँ पे करते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, और ट्रू होता है, और ओरिजिनल होता है, और हिंदी में होता है। दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में छठे नंबर पर आता है, और शनि ग्रह ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और दोस्तों, इसके जो रिंग्स हैं, इसकी खूबसूरती में चार चांद यहाँ पे लगा देते हैं। और चार चांद से यहाँ पे याद आया, जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है, उसी तरह से शनि ग्रह के 83 मून्स हैं। और दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा चांद है। शनि ग्रह का व्यास 116,500 किलोमीटर है, जो काफी बड़ा है, यानी कि हमारी पृथ्वी की तुलना करें तो इससे 9 टाइम्स ज्यादा है। गैलीलियो द्वारा 1610 में खोजे जाने के बाद हमारे पास इसकी कोई भी HD पिक्चर यानी कि डिटेल्ड पिक्चर नहीं थी, जिसमें हम रिंग्स को अच्छे से देख पाए और अच्छे से इसे स्टडी कर पाए। तो दोस्तों, ज्यादा जानकारी मैं अब नहीं देने वाला हूं, आगे भी कभी हम बड़े टेलीस्कोप से इसे ऑब्जर्व करेंगे और शूट करेंगे, कैप्चर करेंगे, तो उसमें बची कुछ जानकारी हम बताएंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए इसकी जानकारी इतनी ही काफी है, आगे आपको थोड़ी बहुत और मिल जाएगी कैप्चरिंग करने के दौरान। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से कैप्चर करेंगे, और क्या दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोस्तों, सनसेट हो चुका है, और आज की मैं कुछ आपको ऐसी चीज बताता हूँ अपनी पर्सनल, जो बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन बताने में कोई जाता नहीं है, आप भी शायद करते होंगे। जैसे कि मैंने अपना पूरा सेटअप यहाँ पे छत पे जमाया हुआ है, और यहीं पर मैं रात को सोऊंगा, और इस तरफ सामने से, इस टावर के बराबर से हमारा जो शनि ग्रह है वो राइज होगा। लगभग 3 AM के बाद वह होराइजन से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं रात को थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो ये मेरा लैपटॉप है, लीजन 5, और इधर पावर बैंक, माउस,
हाउस और सेल्फी स्टिक और मेरा बिस्तर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, डोंट लुक एट दिस। और ये मेरी नोटबुक है, मैं जो चीज़ें मुझे पता लगती है मैं भूल ना जाऊँ तो मैं लिख लेता हूँ। और ये हमारा छोटा सा मुन्ना सा हमारा टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को, इस छोटे से टेलीस्कोप को क्यों यूज कर रहा हूँ वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो अभी इस रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की मदद से ही ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं स्काई में। तो नेचर से यार काफ़ी प्यार है, आवाज़ आपको पता लग रही होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या साउंड निकलती है पंछियों की यार, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव है। अगर आप गाँव में रहते हैं ना तो आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते होंगे। और दोस्तों कॉमन सवाल सबसे ज्यादा लोगों का ये रहता है कि भाई हम कैसे ट्रैक करें, क्या एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। एप्लीकेशन तो कोई भी है, किसी अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो किसी भी एप्लीकेशन से आप अच्छा ट्रैक कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आप स्काई में फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं लाइक यहाँ पे स्टेलिनम यूज करता हूँ, क्योंकि पीसी में भी और एंड्रॉइड में भी मैं ये दोनों का इंटरफेस सेम सा लगता है, इसीलिए मैं इसे यूज करता हूँ। और आगे आने वाली एस्ट्रो फोटोग्राफी में जिसे मैं बड़े टेलीस्कोप से भी अगर ट्रैकिंग करूंगा तो स्टेलिनम काफी मदद करेगा पीसी में। तो आप एंड्रॉइड में भी स्टेलिनम का यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। स्टार बॉल्ट 2 है, स्टार काफी सारे हैं यार, आप कुछ भी सर्च कर ले, प्ले स्टोर पे भरे पड़े हैं एप्लीकेशन आपको नेविगेट करने के लिए स्काई में। क्योंकि जिस तरह से हमारी अर्थ का एक मैप है, स्काई का भी एक हमारा मैप है, यानी सेलेस्टियल स्पेयर जिसे हम कहते हैं। तो कुछ चीजें बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 आईपीसीज हैं, लगभग 20 mm का ये है और एक 6 mm का है और एक हमारे पास 12H यहाँ पे है और एक साथ यहाँ पे 8 mm का भी हमारे पास पड़ा हुआ है। इन्हें मैं इस तरह से यूज करूंगा, 20 mm का मैं लगा के और सैटर्न को पॉइंट पे ले लूंगा बिल्कुल, और उसके बाद मैं रिप्लेस करता जाऊंगा अपने छोटे आईपीसीज पे। तो फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि उस पे पॉइंट करने में दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इस तरह से मैं कुछ पॉइंट कर रहा हूं तो मैंने 20 mm से पहले फाइंड कर लिया यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं रिप्लेस करता जाऊंगा और मैं इस टेलीस्कोप से शूट करता जाऊंगा अपने स्मार्टफोन को कुछ यहां पे लगाकर, इस तरह से जब आईपीसी मैं यहां पे लगा दूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, जब हम माउंट कर देते हैं इस तरह से अपने स्मार्टफोन को तो अगर हम क्लिक करते हैं अपने हाथ से तो वो हिल जाता है। मैंने उसका एक सिंपल सा जुगाड़ बनाया हुआ है, मेरे पास एक ओटीजी है जो आराम से मेरे फोन में लग जाता है और उसके बाद मैंने माउस का एक अडाप्टर यहाँ पे लगाया हुआ है और देन ये वायरलेसली काम करने लगता है और इससे मैं इसे मैनेज कर पाता हूँ अपने स्मार्टफोन को। और हमारे पास कोई भी बार्लो लेंस अभी है नहीं, अभी जो भी हम कर रहे हैं बिना बार्लो लेंस के कर रहे हैं, यानी 700 mm फोकल लेंथ पर ही कर रहे हैं और थोड़ा सा डिजिटल जूम हम कर देते हैं अपने स्मार्टफोन से, अदरवाइज और कुछ नहीं है। दोस्तों आपको भी तो पता लगे कि अभी शुरुआत कैसे होती है एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप से भी, क्योंकि EQ माउंट काफी ज्यादा दिक्कत देता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अभी EQ माउंट अभी ना खरीदें, उस पर भी वीडियो आएगा, लेकिन मैं अभी ये चीजें सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। आगे कोई बिगिनर आए, छोटा स्टूडेंट आए तो मेरी वीडियो से हिंदी में वो अच्छे से समझ पाए, ये मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना डेटा जो भी मैंने शूट किया अभी का पहले लैपटॉप में डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे स्मार्टफोन का जो स्पेस है वो भरने जा रहा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ पहले इस डेटा को इसमें डाल लिया जाए, उसके बाद और भी शूटिंग करनी है, काफी GB में जाएगा डेटा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि लंबी लंबी होती है, कोई उसमें से छांट के हमें एक अच्छा पार्ट निकालना होता है वीडियो के लिए। तो ये मेरा लैपटॉप का इंटरफेस, ब्राइटनेस कम है, हम बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और ये लगाया मैंने डेटा केबल, लग गया, और इधर से मैंने लगा दिया अपना डेटा केबल इधर से। तो फिर दोस्तों सच में सही हुआ, मैंने अभी यहाँ पे डेटा को निकालने का डिसीजन ले लिया, 1.19 GB खाली है मेरा इंटरनल स्टोरेज। आपको दिखा दूं, ये मैंने यहाँ पे डेटा केबल अटैच किया हुआ है और यहाँ पे सामने वाले कैमरे से देखो कुछ इस तरह से आ रहा है यार। देखो ये मैंने पकड़ रखा है और ये डेटा केबल आ रहा है यहाँ पे और ये लैपटॉप में जा रहा है इधर से। तो चलिए पहले इसे खाली करते हैं अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि सुबह में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सुंदर पंछी, क्या हुआ, उड़ गया। और दोस्तों ऊपर है ये वीनस और अभी भी देखो यार 8 बजने वाले हैं और अभी भी रोशनी है यार मेरे एरिए पर आकाश में यार। ये देखो सनसेट इस साइड हुआ था और ये वीनस है और काफी ज्यादा रोशनी है यार अभी। और इधर में ये है मेरा तामझाम, रात हो गई है और ये छोटी सी प्रोसेसिंग चल रही है मून की, थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे अभी सारी चीज़ें कैसे बताएं। तो दोस्तों आज तो मैं उठ ही नहीं पाया बिल्कुल भी, सुबह हो गई, मून उधर है आपको दिख रहा होगा और इधर मॉर्निंग हो चुकी है यानी सनराइज हो चुका है, काफ़ी अच्छा दृश्य लग रहा है। सन पे फोकस करके देखें ये, तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, 4 बज रहे हैं सुबह के समथिंग, आपको दिखाऊं 4:12 हो रहे हैं और इधर मून भी निकल चुका है, मैंने अलार्म सेट किया था
लेकिन अलार्म से पहले ही मेरी आँख खुल गई, 4:13 हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 2-4 मिनट टहल के अपने दिमाग को फ्रेश करके आके बैठा और टेलीस्कोप को सेटअप करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने चेक किया मेरा स्मार्टफोन चार्ज हैवी या नहीं, हाँ चार्ज है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 20mm के आईपीस को लिया, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा फील्ड ऑफ व्यू हमें दिखाता है मैनुअल ट्रैकिंग में, क्योंकि हमारे पास कोई गो टू माउंट है नहीं। और आपके पास भी सबसे पहले रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होगा, उससे ही आप मैनुअल ट्रैकिंग करके ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इसीलिए मैं ये सब आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों 20mm का आईपीस लगा के मैंने उसे पहले सेंटर पॉइंट पे लिया, आगे पीछे करके उसे फोकस में किया कि अभी फोकस में आ जाए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा छोटे आईपीसीस पे, क्योंकि छोटे आईपीसीस से फोकस में लेना बहुत दिक्कत भरा होता है। इसके बाद मैंने रिप्लेस करके देखा 12.5mm एच आईपीस से। उससे मैंने जब यहाँ पे दोस्तों लगा के देखा सैटर्न को, तो भाई साहब क्या ही व्यू यहाँ पे आ रहा था, रियल लाइफ में देखना आंख से क्या ही मजा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैं भूल गया था यार, मैंने अपना स्मार्टफोन तो लगाया ही नहीं है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने स्मार्टफोन को लगाया अच्छे से, और अच्छे से लगाने के बाद वह मेरा टेलीस्कोप हिल गया था बहुत ज़्यादा, तो यार अब यहाँ पे मैं आँख से देख नहीं सकता हूँ। अगर इसमें स्मार्टफोन को आईपीस पे लगाऊंगा तो मैंने घुमा दिया मून की तरफ को इन्फिनिटी फोकस करने के लिए। अगर मैं मून के क्रिएटर को शार्पनेस में ले लेता हूँ तो हमारा सैटर्न भी शार्पनेस में आएगा। ये मैंने करने के बाद अपने स्मार्टफोन के कैमरा ऐप को खोला और सेटिंग्स करना स्टार्ट किया शार्पनेस में लेने के लिए आगे, क्योंकि उसमें मैनुअल फोकस उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो उसमें फोकस का ऑप्शन होता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट उससे भी कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स को अच्छे से करने के बाद मैं बैठ गया और घुमा दिया अपने टेलीस्कोप को सैटर्न की तरफ। अब यहाँ पे मैं हिल ना जाए मेरा स्मार्टफोन आसानी से, तो अडाप्टर मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे फिर माउस को सेटअप किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रैकिंग करूंगा अच्छे से और शूट यहाँ पे करूंगा। और सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों मेरे साथ ये था कि भाई जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो एग्जैक्टली आईपीस से जो लाइट आ रही है वहां पे पॉइंट करना। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को एडजस्ट करके फाइनली दोस्तों बाद में मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद इस चीज को अलाइन कर लिया अपने स्मार्टफोन को, और उसके बाद मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया। और इस बीच में दोस्तों आपको पता है कितने सारे मॉस्किटोज होते हैं, काटे जा रहे थे भाई साहब, खुजाई। अब दोस्तों मैंने थोड़ा सा एजेमथ को हल्का सा टाइट किया है, अगर मैं अंडर फ्रेम लेकर आऊं सैटर्न को तो ज्यादा मूव ना हो मूव करने से, इसलिए मैंने इसे यूज किया। 20mm के आईपीस जब मैंने इसमें लगा के देखा तो यार यहाँ पे लाइव व्यू में आप देख सकते हैं सैटर्न एक छोटे से बिंदु के रूप में दिख रहा है, आप स्क्रीन साइज से कंपेयर कर सकते हैं। 12.5 mm से आप देख सकते हैं कुछ पार्ट हमें दिखने लगा है, ओ हो कितना ओवल हो गया है, हल्का सा टच करने से ऐसा लगता है कि भाई इसे कितना हमने छेड़ दिया है। तो यहाँ पे ओवर एक्सपोज दिख रहा है, हमने एक्सपोजर बढ़ा रखे हैं आपको दिखाने के लिए, बाद में एक्सपोजर कम करके हम इसकी डिटेल यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम 6mm से यहाँ पे लेंगे, सामने सैटर्न है और इधर हमारा मून है, और यहाँ पे आप 6mm से देखिए कितना प्यारा यहाँ पे देखने में लग रहा है, और 2x डिजिटल जूम हमने यहाँ पे किया है। एक्सपोजर कम करके दिखाता हूँ तो आप इसमें रिंग्स भी आराम से देख सकते हैं, और कितनी तेज भाग रहा है यार, आप देख सकते हैं कितनी अर्थ के रोटेशन की वजह से कितना तेज ये नीचे भाग रहा है। हाँ भाग तू कितना भागेगा, एक दिन तो गो टू माउंट होगा, फिर कब्जे में करके रखूंगा, टेंशन मत ले तू, मजाक, पता नहीं कब पॉसिबल होगा, होगा बस आप लोगों की सपोर्ट से। सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यार कैप्चरिंग करते करते मुझे 2.5 घंटे यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे मैंने फोकस करा मून की तरफ, यार थोड़ा सा टाइम और बचा है तो मून को भी कैप्चर कर लूँ थोड़ा सा। आपको लग रहा होगा कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, ये बक्खे मच्छर कुछ तो मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे कैप्चरिंग कर रहा हूँ, कैसे आप सुनिए। आपको क्लिक क्लिक की आवाज़ आई ना, तो यही मैं कैप्चरिंग करता हूँ, माउस से क्लिक हो जाते हैं फोटोज, इसी तरह से मैं फोटोज लेके वीडियोस लेके कैप्चरिंग करता रहता हूँ डेटा को, और उसके बाद प्रोसेस करता हूँ। पीछे पंछी उड़ रहे हैं दोस्तों, सुबह हो चुकी है, और मैंने सैटर्न को जो भी कैप्चर किया है वो मैंने अपना इस स्मार्टफोन में कर लिया है अपने इस टेलीस्कोप से। जो भी मैं रिजल्ट यहाँ पे निकाल पाया, क्योंकि अभी आकाश में मून है और इसकी लाइट भी थी उस टाइम पे, तो जो सैटर्न है उसको पॉइंट करना, उसकी लाइट को प्रॉपर लेना एक मुश्किल सा यहाँ पे बनना था। और यहाँ पे अभी सैटर्न जो सन की दूसरी साइड है हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से उसकी जो लाइट है वो अभी भी बहुत ज्यादा कम हमारे पास आ रही है, यानी हम बहुत दूर से अभी सैटर्न को कैप्चर कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जब सैटर्न घूम के हमारी अर्थ के नजदीक आएगा तो उसकी ब्राइटनेस और ज्यादा यहाँ पे होगी और अच्छे से हम डिटेल कर पाएंगे, लेकिन वो करेंगे हम अपने बड़े टेलीस्कोप से। फिलहाल मैंने इस 50mm के टेलीस्कोप से जो भी कैप्चर किया है उसका फाइनल रिजल्ट आपको तो आज दिखाना बनता है, तो मैं चलता हूँ सारे डेटा को डालता हूँ अपने लैपटॉप में और उसे प्रोसेस करके आपको उसका फाइनल रिजल्ट निकाल देता हूँ और बताता हूँ क्या क्या दिक्कत मुझे आई है। अब दोस्तों ये है डेटा सैटर्न का जो मैंने कैप्चर किया है, आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ इस ट्रैकिंग के ऊपर, थोड़ा सा आप भी कर पाएंगे लेकिन इस पर डिटेल वीडियो आएगा। मैं सबसे पहले पिप को यहाँ पे यूज करूंगा। पिप में क्या होता है, हम सारे फ्रेम्स को
एक जगह एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक जगह स्टैक करके स्टेबल बना सकते हैं। लाइक कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ मैंने वीडियो फुटेज को रखा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे हमें बैच मोड और जॉइंट मोड यहाँ होता है। बैच मोड का मतलब होता है अलग अलग सेपरेट कर देगा हर एक फ्रेम को, और जॉइंट मोड में जॉइंट यहाँ पे करके देगा। तो मुझे जॉइंट करना है यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे। प्लानेटरी को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो प्लानेटरी सेलेक्ट किया मैंने। इनपुट और प्रोसेसिंग यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जो कलर मोनोक्रोम यहाँ पे आ रहा है इस पे सेलेक्ट रहेगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। अब यहाँ पे आ रहा है ऑटो डिटेक्शन थ्रेशोल्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसे डिटेक्ट कर देखना कि हमारा जो ब्राइट एरिया वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसने ज्यादा लाइट को यहाँ पे पकड़ लिया तो मैं इसे बढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा ये सिर्फ सैटर्न को पकड़ेगा। 15 यहाँ पे मैं करता हूँ, तब यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सैटर्न पर ही आ चुका, यानी घट चुका है। इसने कहा है भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने पिक्सल से रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो 25 यहाँ पे हो रहा है। हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे फ्रेम में आ रहा है। हाँ, ये अब हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वालिटी ऑप्शंस में जाएंगे तो इनेबल कर देना सारी चीजों को, टोटल ब्राइटनेस में सेलेक्ट करना है, और एनिमेशन पे कुछ करना नहीं है। ये ट्यूटोरियल बहुत लंबे हैं, बाद में आपको बताऊंगा। और फिलहाल मैं AVI में ही यहाँ पे स्टैक करूंगा और आपको स्टार्ट प्रोसेसिंग कर देनी है। तो सारे फ्रेम्स को ये निकाल के किस तरह से देगा वो रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। ये सवाल दोस्तों आपका बहुत ज्यादा रहता था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पार्ट आपको दिखाया है, क्योंकि इस पे डिटेल्ड वीडियो आएगा तभी आप समझ पाएंगे ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस हो गई, तो आप यहाँ पे फोल्डर को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने पीछे खोला हुआ था। मैं फिलहाल यहीं से ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट कैजुअली। तो यहाँ पे कुछ हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह से बन गई है, 344 MB की बनी है, क्योंकि छोटे से पिक्सल्स को इन्हें प्रोसेस किया। तो आप देख सकते हैं कितना टर्बुलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि यार होराइजन के पास था ये, ज्यादा ऊपर नहीं था जब हमने कैप्चर किया था। इसी वजह से हम इसकी ज्यादा डिटेल अभी नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी जो भी निकलेगा आपको दिखाना बनेगा। और दोस्तों एक फोल्डर बन जाता है पिप नाम से, तो इसमें वो हमारा डेटा पड़ा हुआ है। इसके बाद ऑटो स्टैकर को यूज करूंगा, इस पूरी फुटेज को ठाके इसमें रख के। आप देख सकते हैं कितने कम पिक्सल्स हैं यार, इसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और अलाइन पॉइंट लगा के मैं 48 पे कैजुअली आपको दिखा रहा हूं, प्लेस कर दे रहा हूं ग्रेड। और इसने कर दिया, जो नहीं आ रहा है उसे आप मैन्युअली कर सकते हैं, लगभग यहां तक रिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं एनालाइज करके, अभी इसमें काफी सारी सेटिंग्स रहेंगी लेकिन वो अभी मैं कैजुअली आपको बता रहा हूं, आप करके देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस कर रहा है इस तरह से, सारी चीज को प्रोसेस करके स्टैकिंग करके एक रिजल्ट इमेज के रूप में हमें देगा। और ये हो गया क्योंकि कम डेटा है, कम एमबी का है, और कुल ये 1 MB का फोटो हमें यहाँ पे बनाया। अभी से इसमें डिटेल दिखना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी सारी डिटेल दिखना स्टार्ट हो गई है। तो आगे मैं प्रोसेस करता हूँ सारे डेटा को और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा अभी बाद में यार। तो अभी दोस्तों सुबह सुबह बिना नहाए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, खाना बन के रेडी है, मतलब हमारा जो डेटा था वो प्रोसेस हो चुका है। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको अभी दिख रहा है आज का सैटर्न हमारे सामने कुछ इस तरह से है। अभी सैटर्न हमसे बहुत ज्यादा दूर है और उसके जो रिंग्स हैं वो प्रॉपर उसके सामने आ रहे हैं, तो उसकी थिकनेस हमें अच्छे से विजिबल नहीं हो सकती है। तो ये चीज आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो डेटा प्रोसेस किया है उससे पहले आपको कुछ चीजें दिखानी बनती है। हमने यहाँ पे बिना किसी बार्लो लेंस के, बिना किसी हाई एंड कैमरा के, ये सारी चीज को प्रोसेस किया है मैनुअल चीजें करके, यार अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो फुटेज को लिया है 2x जूम पर। तो हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो किस तरह से था वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। तो ये वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं सैटर्न यहाँ से पास हो रहा है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये भाग रहा है, कितनी तेजी से भाग रहा है। इसमें थोड़े थोड़े हमारे रिंग्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एयर टर्बुलेंस काफी ज्यादा हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद हमने जब इस डेटा को और इस तरह की और भी हमने वीडियो शूट की थी, सारे डेटा को स्टैक किया, तो हमें कुछ वीडियो इस तरह से यहाँ पे मिला। स्टैक करने के बाद हम देख सकते हैं कितना ज्यादा टर्बुलेंस आप यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस छोटे से फ्रेम को जो पिक्सल्स यार जूम भी किया था हमने डिजिटल, और उसमें पिक्सल्स में जितना भी यहाँ पे डेटा आ पाया उसको हमने प्रोसेस किया। अगर हमारे पास इसी टेलीस्कोप पे, जो हमारा 50 का टेलीस्कोप है, इस पे ही अगर हमारे पास कोई कैमरा अच्छा यहाँ पे होता एस्ट्रोनॉमी वाला, तो हम और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते थे। उसके बाद हमने फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पे निकाले हैं, वो इस तरह से हैं, काफी सारे हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अब से कुछ दिन पहले मैंने रिहर्सल किया था, क्योंकि यार इस चीज को करने के लिए पहले थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो उसके बाद हमने सबसे पहला रिजल्ट जो यहाँ पे लिया था ये वाला यहाँ पे लिया था। इसमें आप देख सकते हैं सैटर्न यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, उसके जो रिंग्स हैं उसके सामने से बिल्कुल एग्जैक्ट पास होते हुए सेंटर से आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने कब लिया था, यहाँ पे इमेज का नाम यहाँ पे आ रहा है, मार्च में लिया था, 30 मार्च के आसपास मैंने लिया था यहाँ पे, और आज है 11 मई, और इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया तो यहाँ पे थोड़ा जो रिंग पास हो रहे थे इसके सामने से ये हमें दिखना बंद हो चुके हैं, और इसमें भी कुछ यहाँ पे विजिबल हो चुके थे। ये मैंने ऐसा यहाँ पे किया था, और यहाँ पे मैंने ये सिर्फ किया था 8 mm के आईपीस से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने स्टैक वाले डाटा को इस तरह से लिया, उसके बाद हमने जब प्रोसेस किया तो कुछ इस तरह से रिजल्ट हमें देखने को मिला स्टैक करने के बाद में। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका जो नेचुरल कलर है थोड़ा निकल के आया। उसके बाद हमने यार और प्रोसेस किया हमारा डेटा, भाई साहब
कुछ इस तरह से हो गया। फिर हमने और मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, कहाँ यार दिक्कत हो रही है, उसके बाद किया था थोड़ा बेहतर हमें यहाँ पे दिखाई देता हुआ दिखाई दे, और इस तरह से लग रहा था कि भाई इसमें तो बादल से यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमने जो फाइनल रिजल्ट निकाला वो ये वाला निकाला। इसमें दोस्तों आप यहाँ पे रिंग्स को तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे होंगे ये आउट ऑफ फोकस है, लेकिन यार मैं आपको बताऊं, आज से पहले मैंने जो सैटर्न का फोटो लिया था अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह से कि स्टार की तरह यहाँ पे लिया था, और आज मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इस फोटो को लिया है, मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट को देखें, और जो मैंने पहले रिजल्ट लिया था जो मैं आंखों से देख भी नहीं पाता था, जो मेरे पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जिससे मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे कर पाता, तो ये वाला रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा। अगर मैं आपको यहाँ पे इनहांस करके दिखाऊँ, अगर आपको रिंग्स इसके पता करने, क्योंकि ये मैंने इसके पिक्सल्स को बढ़ाया, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तो मैंने पिक्सल्स को यहाँ पे बढ़ाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन वाले फोटोज में बारी बारी करके किस तरह का कंपैरिजन है। यहाँ पे हमारा स्टैक वाला है, उसका थोड़ा प्रोसेस किया है हमने, और प्रोसेस करके उसका नेचुरल कलर निकालना चाहा, और उसका थोड़ा सा दिक्कत हमें आई, फिर हमसे और प्रोसेस करके हमने अच्छा किया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फाइनल रिजल्ट में ये रिंग्स यहाँ से जाते हुए आपको आराम से दिखाई दे रहे होंगे, जो काफी अट्रैक्ट यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने वो बड़ा फोटो कर दिया जिस वजह से हमें रिंग यहाँ पे नहीं चमक रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे से रिंग आते हुए इसके सामने से यहाँ पे गुजर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास बड़ा टेलीस्कोप और गो टू माउंट वगैरह ये सारी चीजें होती तो हम इसे आसानी से भी कर सकते थे और एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते थे, लेकिन दोस्तों मोस्टली लोग जो यहाँ पे हैं बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें मैं करता हूँ कि वो भी इस चीज को कर पाए और एक अच्छा एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉमी में कर पाए। तो मेरी लाइफ का ये ऐसा रिजल्ट है जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इस 50mm के टेलीस्कोप से। तो अब आपकी बारी है हमें सपोर्ट करने की, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम और जल्द अच्छे अच्छे इक्विपमेंट खरीद पाए और हम अच्छे लेवल पर एस्ट्रोफोटोग्राफी कर पाए। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना कमेंट में, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स गए हैं यार, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।